अब संदीप महेश्वरी से कोई पूछे कि संदीप महेश्वरी जी, आपको एक साल बाद रियलाइज हुआ कि विवेक बिंद्रा फ्रॉड है, तब शायद आपके मन में भी एक लालच है कि कहीं ना कहीं मुझे उनकी ऑडियंस में मिल जाए, जो लोग उनको फॉलो करते हैं मुझे भी फॉलो करने लगे। मैं बोलता हूँ बिल्कुल ठीक किया, स्कैम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, पर आप जज कब बन गए ये समझ में नहीं आया। पहले आपने विवेक बिंद्रा को अपना मित्र बताया और उनकी तारीफ की, आपने ऑडियंस को तब बरगलाया और अब आपने उनको फ्रॉड की कैटेगरी में डालकर उनको आपने डिफेंड करने की कोशिश करी। नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। और आज मेरा पहला एपिसोड है 2024 का, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे मुद्दों पे बात की जाए जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहे हैं और कौन उन लोगों से प्रभावित होते हैं और कौन लोग उन ये कहाँ से लोग आते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने आते हैं। विवेक बिंद्रा वर्सेज संदीप महेश्वरी, क्या है इनकी लड़ाई? अब आप सोचेंगे इनकी लड़ाई तो अभी हुई है, पर इनकी दोस्ती पुरानी है। एक साल पहले संदीप महेश्वरी ने अपने शो पर विवेक बिंद्रा को बुलाया और उनकी जमकर तारीफ की, जमकर उनके बारे में बताया अपने ऑडियंस को, उनकी ऑडियंस को अपने तरफ खींचने के लिए उनको अपने शो पर बुला के खूब एक दूसरे की तारीफें की। और अचानक से एक साल बाद ये मुद्दा आ जाता है कि स्टॉप, हैशटैग और विवेक बिंद्रा, इस तरह के उन्होंने हैशटैग काफ़ी सारे चलाए। अब संदीप महेश्वरी से कोई पूछे कि संदीप महेश्वरी जी, आपको एक साल बाद रियलाइज हुआ कि विवेक बिंद्रा फ्रॉड है या विवेक बिंद्रा कोई स्कैम कर रहे हैं? जब आपने अपने शो पे बुलाया था तो आपने उनके बारे में रिसर्च नहीं की कि मैं किसी फ्रॉड को या स्कैम करने वाले व्यक्ति को इंटरव्यू कर रहा हूँ या अपने प्रोग्राम पे बुला रहा हूँ? तब शायद आपके मन में भी एक लालच था कि कहीं ना कहीं मुझे उनकी ऑडियंस में मिल जाए, जो लोग उनको फॉलो करते हैं मुझे भी फॉलो करने लगे। ऐसा आपके मन में उस टाइम पे विचार 100% आया होगा। जब आपको लगा कि एक साल हो गया उनकी ऑडियंस में कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं और आपके पास 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोग आए, मैं बोलता हूं 200 आए, 500 आए और उन्होंने कहा कि हम तो विवेक बिंद्रा द्वारा ठगे गए, तो आपने उनकी सुनकर ये वीडियो अपलोड कर दिया और हैशटैग चला दिया। एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पे 30%, 35% जो भी है कमीशन लो और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। ये स्कैम है। मैं बोलता हूँ बिल्कुल ठीक किया, स्कैम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, पर आप जज कब बन गए ये समझ में नहीं आया। आपने कब वो बीड़ा थाम लिया, वो कह दिया कि अब मैं ही डिसाइड करूंगा कि सोशल मीडिया पे किसको कब कैसे डिफेम करना है और इससे ही मैं अपनी सुर्खियां बटोरूंगा। आपको अपना मोनेटाइजेशन खोलने के लिए क्या इस तरह का कोई प्रोपोगेंडा करना था, या आप फ्री में सलाह पहले से देते आए? ऐसा तो नहीं, फ्री में सलाहें आपने कभी भी नहीं दी। आप अच्छा खासा चार्ज करते हैं और हमें आपके चार्ज करने से कोई आपत्ति भी नहीं है कि घर में रोटी पैसों की ही आएगी, ये समझ में आता है, पर आप जज बन गए इससे हमें आपत्ति है। पहले आपने विवेक बिंद्रा को अपना मित्र बताया और उनकी तारीफ की, अपनी ऑडियंस को तब बरगलाया था और अब आपने उनको फ्रॉड की कैटेगरी में डालकर उनको आपने एक तरह से डिफेम करने की कोशिश करी और कोशिश करते हुए आप जज की कैटेगरी में अपने आप को समझने लगे और तो बड़े चौड़ में आकर आप कहने लगे कि मैं डरता नहीं हूँ। तो आप ऐसा करके कुछ दिन की सुर्खियाँ तो बटोर सकते हैं पर न्याय नहीं दिला सकते। मैं ये नहीं कहता कि विवेक बिंद्रा ने कोई गलत नहीं किया होगा, गलत उनके घर से शुरुआत हुई, वो अपनी पत्नी से मारपीट को लेकर उनकी शुरुआत हुई, सबसे बड़ा गलत तो उन्होंने वहीं कर दिया था। जब बोलते ना किसी के बुरे दिन आते हैं तो फिर वो फंसता ही चला जाता है, तो विवेक बिंद्रा के बुरे दिन आ चुके थे। विवेक बिंद्रा को हम कोई करेक्ट नहीं बोलते, पर आपने जो किया महेश्वरी साहब, आपने जो किया, आपने लोगों को गलत फिगर्स में बात करी। जैसा कि आपने कहा कि विवेक बिंद्रा ने कहा कि अगर आपको मैं 10 लाख रुपए महीना कमाने लायक नहीं बना देता तो मैं आपके पैसे रिफंड कर दूंगा,
मेरा स्टेटमेंट दोबारा से सुनिएगा और उनका वीडियो भी जरूर देखिएगा जहां उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको 10 लाख रुपए कमाने योग्य नहीं बना देता महीने के, तो मैं आपके पैसे रिफंड कर दूंगा। गारंटी दे रहा हूं 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। इसमें कहां है कि 10 लाख रुपए इंटू 12 महीने मतलब 1,20,00,000 रुपए मैं आपको रिफंड करूंगा साल के और प्रति व्यक्ति रिफंड करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर मैंने कोर्स 50,000 रुपए का बेचा है, अगर आप नहीं आपको सही लगता है तो मैं आपके पैसे रिफंड कर दूं। अब आपने मूल्यांकन कहां से करा उनका? 1,20,00,000 इंटू 1,00,000 लोगों को देने के लिए उनके पास कितने लाख रुपए की नेटवर्थ होनी चाहिए? आपने उनकी कंपनी की नेटवर्थ 130 करोड़ रुपए के आसपास आंकलन की और कहा जब उनकी 130 करोड़ रुपए की कंपनी है तो वो 1,00,000 समथिंग करोड़ कहां से देंगे? तो आपने स्टेटमेंट बोलते हैं ना कि गुस्से में, यह आप उनके बारे में फुल नेगेटिव ही सुनते रहे इसलिए आपने कहा। मैं बोलता हूं कि उन्होंने 50 लोगों के साथ, 100 लोगों के साथ, 200 लोगों के साथ या 500 लोगों के साथ, चलिए आप और बड़ा कर देते 1,000 लोगों के साथ स्कैम कर दिया। 1,000 लोगों के रिफंड उनको करने पड़ेंगे। क्या वो रिफंड की एप्लीकेशन की कॉपी आपके पास आई? आई तो क्या उन सबने क्लेम उन्होंने दाखिल किया कि नहीं किया? पुलिस में केस किया कि नहीं किया? कोर्ट में गए कि नहीं गए? अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो उनको न्याय जरूर मिलता, पुलिस में जाते तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती। दूसरी चीज, उन्होंने रिटर्न करने की बात जो की थी, उन्होंने कहा था कि जो भी मैं फीस ले रहा हूँ उसको रिटर्न करूंगा। मतलब अगर उन्होंने 50,000 रुपए लिए हैं और 1,000 लोगों को वापस करने हैं तो ये रकम आपकी 50 करोड़ के आसपास बन जाती है या उससे भी कम, शायद आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो आपने उनको 50 की जगह आपने कई लाख करोड़ का कर्जदार बना दिया। मैं फिर कहता हूं, ना हम संदीप महेश्वरी के अगेंस्ट में हैं, ना उनके साथ हैं, ना विवेक बिंद्रा के साथ हैं। हम साथ हैं कि जहां से ये सारी चीजें उत्पन्न हुई हैं, कौन लोग हैं जो इन लोगों को फॉलो करते हैं। इन्होंने अपनी कैटेगरी, अपनी डेजिग्नेशन इतने अच्छे से बनाई है, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट। अब कौन लोग इनको फॉलो करते हैं? कभी आपने सोचा? इनको वही लोग फॉलो करते हैं जो वाकई में डेस्परेट हैं जीवन में शॉर्टकट मारने के लिए। शॉर्टकट मारने के लिए इन्होंने कई अपने ऐसे ऐसे रास्ते अपना लेते हैं, कई बार तो क्राइम की तरफ भी चले जाते हैं। आप लोगों ने इनको टारगेट करके कि इनको हम इतना कच्चा लालच देंगे कि ये लोग अपने घर की जमा पूंजी, जेवर जारा, जो बेचना हो वो बेच के हमारे पास आएंगे। मैं दोनों को बोलता हूं, दोनों फ्री में काम नहीं करते। एक बोलता मैंने मोनेटाइजेशन यूट्यूब का ओपन नहीं करा, बट आपका बिजनेस तो है ना ये, आप क्या समझते हो कि आप 100% रिजल्ट देते हैं? मैं महेश्वरी जी से कहता हूं कि क्या आपका रिजल्ट 100% है? 100% कोई नहीं हो सकता, ना विवेक बिंद्रा, ना संदीप महेश्वरी, ना ध्रुव राठी। ध्रुव राठी ने भी आपको लेके एक वीडियो बनाया और कौन सही कौन गलत को लेके उन्होंने यस नो भर दिया, क्योंकि ध्रुव राठी भी कहीं ना कहीं पे इसी तरह के पैकेजेस बेचते हैं। क्या वो क्लेम करते हैं कि मेरे पैकेज लेने के बाद 100% रिजल्ट आएंगे? वो भी क्लेम नहीं करते, पर उन्होंने इस पैकेजेस के पीछे अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करी। उन्होंने ना विवेक बिंद्रा को सही बताया, ना संदीप महेश्वरी को सही बताया। उन्होंने कहा पैकेज तो मैं भी बेचता हूं और मैंने भी कई लाख के पैकेज लिए हैं, पर वो डिसाइड करना उस कैंडिडेट का काम है कि ये पैकेज से वो कितना सीखता है। कई बार एक छोटी सी बात आपको इतनी ऊंचाइयों तक लेके जाती है कि आप बोलते अगर वो शब्द मेरे पास उस दिन ना होते तो मैं आज कहीं और होता। तो आपको कई बार ही क्या होता है, आपकी डेस्टिनी लेके जाती है ऐसे आदमी के पास जहां आपको उसके बातों से, भाषा से अप्रभावित होकर एक रास्ता चुन लेते हैं। उसको वहां तक पहुंचने के लिए आपको हो सकता है उस आदमी तक, व्यक्ति तक पहुंचने के लिए आपके 10,000-20,000 रुपए खर्च हो गए होंगे। आप गए, रहे वहां, अचानक से उसे मिले, आप उसकी कॉस्ट निकालने लगते हो। आप कहने लगते हो कि यार मैं 20,000 रुपए खर्च करके फलाना फलाना जगह गया और मेरे पैसे वसूल हो गए क्योंकि मुझे वहां ऐसा व्यक्ति मिल गया, उसने मेरी डायरेक्शन ही चेंज कर दी। कॉस्ट तो ऐसे भी हो सकती है और कई बार ऐसा हो सकता है कि मैंने
कई लाख का नुकसान खाया, आगे नहीं खाऊंगा, ये मेरी सीख है कि मैंने कई लाख रुपए खर्च करके ये सीख ली। तो डिपेंड करता है वो कैंडिडेट टू कैंडिडेट कि वो किस चीज को अपना आधार बनाना चाहता है, किस चीज पे वो आगे चल के जीवन में वो सोचना चाहता है कि ये किताब मेरे लिए कितनी महंगी थी या कितनी सस्ती थी, किताब मैंने बहुत महंगी ली, पढ़ी नहीं, तो वो ही वो किताब क्या किताब के मालिक को चैलेंज करेगा कि आपने किताब लिखी थी, मैंने तो पढ़ी नहीं बट मेरे लिए बहुत कॉस्टली थी इसलिए मेरा जीवन बर्बाद हो गया। तो ये उन बेरोजगारों के लिए है जिनको ये समझने की जरूरत है कि आप शॉर्टकट ना अपनाएं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत से ही पैसा बनता है, शॉर्टकट से कभी पैसा नहीं बनता। शॉर्टकट लेने वाले लोग और शॉर्टकट को दिखाने वाले लोग दोनों ही गलत होते हैं, चाहे वो संदीप महेश्वरी हो, विवेक बिंद्रा हो या ध्रुव राठी हो। कोई भी शॉर्टकट अगर आपको बता रहा है तो वो सबसे बड़ा गलत, और उसको फॉलो करने वाले उससे बड़े गलत। तो शॉर्टकट में आप अपने जीवन को ना फंसाएं। शॉर्टकट लेते हुए आप कई बार ऐसा होता है कि आपको टेम्पटेशन तो होगी, जैसे जिस प्रकार से लॉटरी में टेम्पटेशन होती है कि 11 रुपए में आप 100 रुपए कमा लेते हैं, अब फिर 100 रुपए से आप फिर वही 1100 रुपए बनाने की कोशिश करते हैं, वो शॉर्टकट है। लक को आजमाने के लिए आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव अप्रोच रखनी पड़ेगी, आपको सकारात्मक काम करने पड़ेंगे, तब जाके कहीं आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। इनकी क्लासेस लेने से या इनको फॉलो करने से आपका भला नहीं हो सकता। मैं भारत टाइम में यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों को फॉलो तब करें जब आप पे खाली टाइम हो, आप सुन लें कुछ अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स इनसे मिल जाते हैं, क्योंकि इतना बोलते हैं ये लोग, तो इतने बोलते बोलते इन लोगों के पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो होता है, शब्द पॉजिटिव होते हैं जिसे कन्वे कर पाते हैं लोगों को। मैं तो इन लोगों से कभी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि लोगों को लगता है कि यही तो मेरा दर्द था, यही तो मैं समझ नहीं पा रहा था, इस बंदे ने मेरे को पकड़ लिया और यही मेरा टर्निंग पॉइंट है। पर फिर कह दूं, ये लोग अपनी दुकानदारी चला रहे होते हैं और यही शब्दों का चयन कर करके लोगों के बीच में घुसते हैं। तो आप इनको एक लाफ्टर शो की तरह लें, लाफ्टर शो में जैसे इनको देख के हंसते हैं, बोलते हैं, कुछ अच्छा पॉजिटिव है तो लीजिए, नेगेटिव है तो वहीं छोड़ दीजिए। आपको समझना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर आप फिर भी इन चक्रों में फंसते हैं, इन लोगों की कोर्सेज लेते हैं और इन लोगों से आप प्रभावित होकर अपने घर परिवार का, मैं बोलता हूँ, बहुत कुछ बेच देते हैं, तो आप इन लोगों के चक्कर में ना फंसे। ऐसे लोगों को आप अपना आइडल ना बनाएं, ऐसे लोगों को कम से कम सुने। मैं तो इनको बोलूँगा कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से खेलते हैं, मेंटलिस्ट वाला काम करते हैं, और आपकी साइकोलॉजी और मेंटलिस्ट वाला जो काम करते हैं, इनको पता है कि भारत देश में एक चीज़ की कमी है, वो है रोजगार। क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या के बीच में सबसे ज़्यादा कमी वाला काम है वो है रोजगार। हर बच्चा 18 साल 20 साल का होने पर जब 12वीं पास करने का, उसके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि मुझे कमाना है। और कमाना कैसे है, ये उस चीज़ को घुस जाते हैं उसके दिमाग में और बोलते हैं कि हम आपको शॉर्टकट देंगे। ऐसे शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। भारत एट टाइम में आज इतना ही, मैं इन दोनों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। साल की शुरुआत अपने सही से करें, सही लोगों का चयन करें, अपना आइडल अच्छे लोगों को बनाएं, मेहनत करें, मजदूरी भी करेंगे ना तो वो भी आपके काम की होगी, उससे भी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। पर ऐसे लोगों के पीछे मजबूर ना बनें।